वहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है हेलीपैड का, तो इस होटल में हेलीपैड भी है और वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू योर किंगडम द मोनार्क होटल ऊटी। दिस होटल ओनर नेम मिथुन चक्रवर्ती कन्फर्म। तो स्टेड स्थापना वेस्ट बंगाल। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है ओपन ओपन कब हुआ? ओपन 26 ईयर एगो। अच्छा, ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों? अभी मैं हूँ तमिलनाडु राज्य के ऊटी शहर में। यहाँ पे हमें आए हुए 4 दिन हो गए हैं और यहाँ पे हमने कई बॉलीवुड मूवी की शूटिंग लोकेशन की वीडियो बनाई हैं जो हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ 90 के दशक में बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने वाले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के होटल पे। मिथुन चक्रवर्ती जी का जो होटल है ऊटी में है और बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा था। अभी मैं पाइन फॉरेस्ट से आया था, वहाँ पे मैंने शूटिंग लोकेशन की वीडियो बनाई थी। वहाँ कई बॉलीवुड की मूवियों के गाने शूट हुए हैं, रोमांटिक गाने वहाँ शूट होते थे। तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम उतर गए। यहाँ से हमें जो होटल है वो लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो अभी मैं पैदल आ रहा हूँ, ये मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ के मैं आया हूँ और अभी हमें इधर ऊपर चलना है। तो चलते हैं वहाँ पर और वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। दोस्तों, यहाँ से आप ऊटी शहर के नज़ारे देखिए, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और अभी मैं इन सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ। ये वाला जो रास्ता है ये होटल की तरफ गया है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है द मोनार्क होटल। चलते हैं इधर और होटल पे चल के फिर मिलते हैं। दोस्तों, अभी हम पैदल पैदल होटल की तरफ चल रहे हैं और हमारे साथ गाय भी चल रही है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मस्त है और होटल जो है शायद हो सकता है वो या फिर इसी के सहारे कोई बना हो। चलते हैं आगे और चल के देखते हैं। दोस्तों, अभी जिस होटल के पास मैं पहुंचा हूं, इस होटल का नाम है द बिल्लो हिल के नाम से और बहुत ही खूबसूरत होटल ये बना हुआ है। जो मैं दूर से दिखा रहा था आपको वो यही होटल है और मिथुन चक्रवर्ती का जो होटल है वो थोड़ा इससे आगे है। एक रास्ता यहां से कटा हुआ है लेकिन हमें इधर नहीं, हमें सीधे चलना है। दोस्तों, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है द मोनार्क होटल, तो यहाँ पर ये जो तीर लगा हुआ है ये हमें इस डायरेक्शन में बता रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो चलते हैं इधर। और यहाँ पे एक देखो ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ड्राइव स्लो। तो दोस्तों, फाइनली मैं होटल पहुंच गया हूं। ये मेरे सामने एंट्री गेट है जहां पे ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से अभी हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको अंदर चल के नज़ारे। और बाहर से जो नज़ारे हैं ना होटल के बाहर के, वो भी बहुत ही मस्त नज़ारे हैं। होटल के बाहर एक टी गार्डन है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम अंदर चलेंगे। दोस्तों, ये है होटल का मेन गेट और यहाँ पे एम बना हुआ है और इसके आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे यहाँ पे टी गार्डन है, एक बार दिखाता हूँ मैं थोड़ा आगे चल के। यहाँ पे देखो ये पूरा टी गार्डन है, यहाँ से लेके और उधर तक। तो बहुत ही सुंदर व्यू बनना है यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है द मोनार्क होटल और अंदर आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है हेलीपैड का, तो इस होटल में हेलीपैड भी है और वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू योर किंगडम
द मोनार्क होटल ऊटी। तो अंदर चलते हैं और सतेंद्र भाई गए हैं अभी गार्ड के पास, पूछ रहे हैं कि कैसा क्या है यहाँ का, तब बताते हैं आपको। ये सर, सर अंदर अलाउ है क्या? नहीं है ना, बिकॉज व्हाट इज वेरी बिजी, ओनली बुकिंग, ओनली बुकिंग, ओनली इट इज वेरी बिजी नाउ इनसाइड, आउटसाइड पर्सन इज नॉट, रेस्टोरेंट भी यूज नहीं कर सकते, दिस इज देयर ओनली, दैट्स फॉर रूम, रूम गेस्ट ओनली, जो वहां पे रूम बुकिंग किए हुए हैं उन्हीं के लिए रेस्टोरेंट है, मतलब जो रेस्टोरेंट अंदर जो हैं उन्हीं के लिए रेस्टोरेंट है। इंग्लिश में ये रूम गेस्ट ओनली, दिस होटल ओनर नेम मिथुन चक्रवर्ती, कन्फर्म। तो स्टेट, स्थापना वेस्ट बंगाल। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है, ओपन ओपन कब हुआ? ओपन 26 ईयर एगो। अच्छा, ओके, थैंक यू। दोस्तों अभी मैं होटल से बाहर निकल चुका हूं, सामने आप देख सकते हैं ये होटल का नज़ारा है और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं यहां से। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो चाय के बागान हैं, जो टी गार्डन है, उसमें मैं आ गया हूं और यहां पे इस पेड़ पे खड़े होकर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जैसे कि गार्ड साहब ने बताया था, सत्येंद्र भाई ने पूछा था, तो ये जो होटल है इसके जो ऑनर हैं वो मिथुन चक्रवर्ती हैं, और अगर आपको इस होटल में आना है तो आपको बुकिंग ऑनलाइन करना होगा, ऑफलाइन भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा एक दिन। तो अभी हमने गार्ड साहब से पूछा, हमने कहा कि अभी हमारी बुकिंग कर दीजिएगा, तो उन्होंने कहा नो, आपको कल आना होगा सुबह मॉर्निंग में। तो सुबह तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो जैसा भी जो भी नज़ारा था हम इतना ही आपको दिखा पाए, हालांकि होटल के अंदर नहीं जा पाए। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का जो होटल है बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो सामने से बहुत ही अच्छा व्यू देख पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसे ही बागान हमें कुन्नूर में मिले थे, ऊटी में चाय के बागान मतलब कम हैं, हमें यहीं पे देखने को मिले हैं, और कुन्नूर में तो चाय के बागान बहुत सारे थे। तो यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों अभी मैं होटल से निकल चुका हूं और हम अभी वापस जा रहे हैं। जैसे कि गार्ड साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। और जैसा भी था हमने उनसे ऑनर का नाम पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि इसके जो ऑनर हैं वो मिथुन चक्रवर्ती हैं, तो वो आपको आपने सुना ही होगा। तो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।